हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि गति के क्या प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जाना था, और इसके साथ साथ हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके मोशन या गति से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने पोजीशन यानी स्थिति के बारे में पढ़ा था कि स्थिति क्या होती है। किसी भी वस्तु की स्थिति उसके लोकेशन को बताती है कि वो कहाँ पर है, किसी समय पर कहाँ पर है वो, ये हम पोजीशन के माध्यम से बता पाते हैं। और इसे हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से बताते हैं, जहाँ पर आपके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि आप तीन जो आपके अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड अक्ष, इनके माध्यम से आप यहाँ पे बताते हैं। और बेसिकली पोजीशन को आप किसी निश्चित फ्रेम के माध्यम से यहाँ पे दर्शाते हैं। पोजीशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, दूरी या पथ की लंबाई। अब जैसे कि आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को, तो आप क्या जानते हैं डिस्टेंस या दूरी के बारे में? दूरी वह पथ है, वह वास्तविक पथ है जो कि किसी कण के द्वारा जो है ट्रैवल किया जाता है या तय की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई वाहन है, ठीक है, हमारे पास कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, ठीक है, वो क्या करती है, ए बिंदु से चलना शुरू होती है, ठीक है, ए बिंदु से चलना शुरू होती है और बी बिंदु पे पहुंचती है। मान लीजिए ए से बी की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, वाहन ने क्या किया, ए बिंदु से चलना शुरू किया, चली बी बिंदु तक पहुंची। अब ए से बी की दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर, यानी जब जो आपका वाहन है ए से चलना शुरू हुआ बी पे पहुंचा तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 10 किलोमीटर की बात करेंगे तो जो हमारा वाहन है या गाड़ी है उसने वास्तविक तौर पर ये दूरी तय की है, यानी वो वास्तविक तौर पर ए से बी की ओर गया है, बी पर पहुंचा है, उसने कुछ समय लिया बी तक पहुंचने। तो ये जो पथ है ए से बी तक का, जो कि 10 किलोमीटर का पथ है, यही डिस्टेंस यानी दूरी कहलाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी जो आपकी दूरी होती है वो क्या है, डिस्टेंस या जो दूरी होती है वो किसी भी वाहन, कोई भी गाड़ी वाहन वगैरह है या वस्तु है, अगर उसके द्वारा कोई वास्तविक पथ तय किया गया है उसी को हम दूरी कहते हैं यानी डिस्टेंस कहते हैं, और ये दूरी कुछ समय अंतराल में तय की जाती। अब हम इसके जो है बारे में बात करते हैं कि दूरी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि दूरी क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। अब अदिश राशि का मतलब क्या होता है, ऐसी राशि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यानी दिशाहीन राशियां क्या होती हैं, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, और डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यूनिट की बात की जाए तो इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है, ठीक है, और डाइमेंशंस की बात करें तो आप जानते हैं एम नॉट एल वन टी नॉट। ठीक है, या एल, सिंपली आप एल भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, इसका डायमेंशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी वस्तु द्वारा जो वास्तविक दूरी तय की गई है वही डिस्टेंस यानी दूरी कहलाती है। ठीक, वी डिफाइंड डिस्टेंस एज द एक्चुअल पाथ लेंथ
ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि हम दूरी को कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा वास्तविक तौर पर जो दूरी तय की गई है किसी समय अंतराल पर, वही दूरी यानी डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यह क्या है? दिशाहीन राशि है। SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यानी अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी के मापन जो SI मात्रक है वह क्या है? मीटर है। हम दूरी को एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति के दौरान कण द्वारा तय की गई वास्तविक पथ लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। दूरी मापने का SI मात्रा के SI इकाई क्या है? मीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? दूरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दूरी क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं, जो वास्तविक दूरी तय की गई है किसी भी कण या किसी भी वस्तु द्वारा। ठीक है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। डायमेंशन इसकी क्या होगी? आपकी एल। और यूनिट क्या है इसकी? मीटर। ठीक है, तो SI मात्रक इसका क्या है? मीटर। ठीक है, नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला आपका कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक घर, ये क्या है? आपका घर है। और यहां पे क्या है? आपका स्कूल है। ये क्या है? घर है। वहां पे आपका क्या है? स्कूल है। अब स्कूल, घर से स्कूल जाने के अनेक रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा ऐसा करके है। ठीक है, ये रास्ते हैं, तीन रास्ते मान लीजिए, ए बी सी डी। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? आप वो सारे रास्ते पता है, आप अपने स्कूल जाते हैं। ठीक है, पहले दिन आप क्या करते हैं? आप पे काफी समय होता है और आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम है अभी, तो मैं घूमते घूमते आराम आराम से अपने फ्रेंड को लेके जाऊं। तो आप क्या करते हैं? डी पद से अपने स्कूल की ओर जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पद की जो लंबाई है वो आपकी जो है 7 किलोमीटर है। तो आप क्या करते हैं? जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए जाते हैं, क्योंकि स्कूल के लिए अभी बहुत है। ठीक है, फिर क्या हुआ? दूसरे दिन आपने देखा टाइम है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं क्या करता हूँ? मैं जो है एक थोड़ा छोटा रास्ते से जाता हूँ। तो आप क्या कर, आपने क्या किया? अब घर से स्कूल गए ए पथ के माध्यम से, और मान लीजिए इसकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, फिर अगले दिन आप गए घर से स्कूल, आप पे टाइम था 4 किलोमीटर की दूरी वाले पथ से यानी बी वाले पथ से आप गए। और एक क्या हुआ, एक दिन आपको बहुत लेट हो रही थी, बहुत ही कम समय बचा था, और वो समय इतना था कि आप सिर्फ डायरेक्ट स्कूल जा सकते हैं, आप कहीं अपने फ्रेंड को मिलने नहीं जा सकते। तो आपने क्या किया? सी पथ का उपयोग किया, सी पथ से आप गए, जिसकी दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने पथ थे, कितने पथ से आप गए? आपको 4 पथ पता है, 4 पथों से आप गए। 1 7 किलोमीटर का था, 1 5 का था, 1 4 का था, 1 2 का। अब जब आप क्या करते हैं, जिस भी पद से आप जाए, चाहे आप 7 किलोमीटर के पद से जाए, चाहे आप 5 किलोमीटर के पद से जाए, चाहे 4 चाहे 2, ठीक है, जिस पद से आप
वास्तविक तौर पर जाते हैं, वो उस पथ की लंबाई आपकी डिस्टेंस हो जाती है, यानी वो दूरी आपकी डिस्टेंस हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, दूरी जिसे आप कहते हैं, यानी डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो दूरी चाहे आप 7 किलोमीटर वाले से जाए, 5 से जाए, 4 से जाए, 2 से जाए, आप वास्तविक तौर पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूरी तय कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, दूरी। लेकिन अगर हम बात करें कि घर से स्कूल तक का सबसे छोटा पथ कौन सा, सबसे छोटा पथ कौन सा है, वहां आप वास्तविक तौर पर गए नहीं हो, लेकिन दोनों स्थितियों के बीच का जो सबसे छोटा पथ होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन जो है वो सबसे छोटा पथ होता है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी आप चाहे 7 किलोमीटर से जाएं, चाहे 4 किलोमीटर के पथ से जाएं, चाहे 5 किलोमीटर के पथ से जाएं, चाहे 2 किलोमीटर के पथ से जाएं, लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे हर एक केस में, तो विस्थापन क्या होगा, सबसे कम दूरी या सबसे छोटी दूरी किसके बीच में, घर और स्कूल के बीच में, क्योंकि क्या है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी या सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका 2 किलोमीटर का। अब यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन क्या है, विस्थापन को हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, यानी ऐसी राशि जिसका परिमाण भी है और दिशा भी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, परिमाण भी होता है, ठीक, और दिशा भी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी जिस राशि का परिमाण भी है, तो जिस राशि का आपका परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, दोनों चीजें होती हैं, तो ऐसी राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला या विमेय सूत्र होगा वो होगा m0l1t0, या आप लिख सकते हैं सिंपली l। तो ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है। ठीक, इसके साथ साथ, ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब इसके साथ साथ हम एक और चीज पर, इसकी तुलना अगर हम जो है डिस्टेंस से करें, दूरी से करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने क्या कहा था कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आप 7 किलोमीटर के रास्ते जाते हैं। अगर आप घर से स्कूल 7 किलोमीटर वाले रास्ते से जाते हैं, यानी डी रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ पे आपने जो दूरी तय की है, जो आपने यहाँ पे दूरी तय की है वो कितनी है, 7 किलोमीटर की है, यानी दूरी तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर। अगर विस्थापन बोला जाएगा कि कितना विस्थापन है, तो सबसे छोटा पथ यानी सी पथ यानी 2 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ए या बी पथ से भी जाएंगे, तभी भी के उन केसेस में आप क्या कहेंगे कि विस्थापन कितना होगा, 2 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात, अगर आप जो है 2 किलोमीटर वाले पथ से तय करते हैं, तो इस केस में आपकी जो दूरी है वो भी 2 किलोमीटर है और विस्थापन है वो भी 2 किलोमीटर। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब हम दूरी को और विस्थापन को दोनों की तुलना करते हैं, तो जो विस्थापन होता है वो दूरी से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, कभी भी विस्थापन जो है दूरी से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपका विस्थापन होगा, इस बात का ध्यान रखना है, विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा दूरी के, कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा या बराबर ही होगा, यही हो सकता है, बाकी बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में ही बात की है कि जो सबसे छोटा पथ है, सबसे छोटा पथ,
ठीक है। तो सबसे छोटे पथ की बात की है, यानी कि डिस्टेंस के वो बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी क्या कहा गया है, विस्थापन, किसी भी कण का जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा पथ होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक सदिश राशि है। एंड इट्स एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर, और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का जो परिमाण होता है वो हमेशा दूरी से छोटा होता है या दूरी के बराबर होता है। किसी कण का विस्थापन किसी विशेष दिशा में कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। यह एक कण, यह एक सदिश राशि है और इसकी माप की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। विस्थापन का परिमाण हमेशा कुल दूरी के कम या उसके बराबर होता है, अर्थात विस्थापन क्या होगा, कम होगा या बराबर किसके, दूरी के, यानी डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूलाज का ये होता है, एम नॉट एल वन टी नॉट, यानी एम की घात जीरो टी की घात एक और एल की घात एक और टी की घात जीरो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है डेफिनेशन लिखनी है और आपको ध्यान रखना है, सदिश का अर्थ है परिमाण भी होगा और दिशा भी, ठीक है, नोट करें। अब यहाँ पे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। क्या कहा गया है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक कण है वो एक सीधी रेखा में चल रहा है, गमन कर, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी क्या कर रहा है, मान लीजिए एक कण है, ये क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है, सीधे सीधे आगे की ओर चल रहा है, और इसने क्या किया, इसने अपनी दिशा ही नहीं बदली, डायरेक्शन ही नहीं बदली, तो क्या होगा, देन द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। क्या कहा गया है, तो तब क्या होगा, जो दूरी इसके द्वारा तय की गई है वो और जो विस्थापन होगा वो एक ही होगा या बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए एक कण है वो ए से बी की ओर जाता है, अब वो सीधे सीधे जा रहा है और उसने मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करी है, ठीक, या 2 मीटर की दूरी तय की है, 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली पोजीशन उसकी क्या थी, पहली स्थिति क्या थी, ए, दूसरी क्या थी, बी, दूरी कितनी है, 2 मीटर। अब वो ए से बी की ओर गया, यानी उसने जो दूरी तय की है या जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर। अब विस्थापन के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्थापन के बारे में आप ये जानते हैं कि जो विस्थापन है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ है। यहाँ पे ए और बी के बीच का सबसे छोटा पथ वही है जो दूरी है, यानी 2 मीटर, ठीक है, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो एकदम सीधे चल रहा है, आपका जो कण है वो बिल्कुल सीधे चल रहा है और ए से बी की ओर चल रहा है, तो दूरी भी आपकी 2 किलोमीटर हो, 2 मीटर होगी और फिर विस्थापन भी वही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु सीधी चलती है और उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते। यदि कोई कण गति की दिशा बदलने बिना एक सीधी रेखा में
घूम रहा है तो विस्थापन की दूरी और परिमाण बराबर होता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो अगर दूरी की बात की जाए तो जैसे हमने बात की थी, दूरी क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। दूरी क्या है आपकी, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, आप जानते हैं। वहीं विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है आपका डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी दूरी क्या है, कुल पथ जो किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की। ठीक है, तो आप लिखेंगे वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ, यानी डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी वस्तु के द्वारा जो वास्तविक पथ या वास्तविक दूरी जो तय की गई है, वास्तविक पथ जो तय किया गया है, वही आपका दूरी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी विस्थापन जो किसी भी वस्तु के द्वारा सबसे छोटा पथ जो तय किया जाता है। ठीक है, विस्थापन क्या है, वस्तु द्वारा तय किया गया सबसे छोटा पथ। ठीक है, वस्तु द्वारा, साथ साथ लिखते रहेंगे, तय किया गया सबसे छोटा पथ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो क्या है, वो किसी भी वस्तु के द्वारा जो सबसे छोटा पथ तय किया गया है, वही आपका विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। क्या कहा गया है कि जो दूरी होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि दूरी क्या है, जो कि वास्तविक पथ, किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ। तो वास्तविक पथ कब तय किया जाएगा, जब वस्तु चलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी आपका जो दूरी है वो जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट नेगेटिव बोला गया है, यानी कभी भी आपका जो दूरी होगी वो नेगेटिव, यानी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली दिशा को दर्शा। ठीक है, नेगेटिव साइन से आप क्या समझते हैं, जो नेगेटिव साइन होता है वो आपकी दिशा को दर्शाता है। और आप ये जानते हैं कि जो दूरी है वो क्या है, वो दिशाहीन राशि है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस ही नहीं होती है, सॉरी उसका सॉरी डायरेक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे दूरी, दूरी कभी भी शून्य तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन के लिए क्या कहा गया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव, यानी जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है और कैसा हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन आपका, विस्थापन शून्य तथा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो सकता है,
अगर हम जीरो की बात करें, शून्य की बात करें, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जब भी कोई वस्तु किसी सीधे पथ पे चलती है, ठीक है, अपनी दिशा नहीं बदलती है, जैसे कि ए से बी की ओर गई, तो यहाँ पे इसके द्वारा जो दूरी, अब जैसे कि आप जानते हैं जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, अपनी दिशा नहीं बदलती है, यानी ए से बी की ओर गई, सीधे चलने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए से बी तक जाने में उसने जो दूरी तय की है वो कितनी है, 2 मीटर। अब विस्थापन के बारे में हम ये जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी है, 2 मीटर। तो दूरी आपकी क्या हो गई, 2 मीटर, और विस्थापन भी आपका 2 मीटर हो गया। अब मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप बी बिंदु पे पहुंचे, सीधे चल रहे थे, फिर आप वापस मुड़े, वापस मुड़े, वापस चलने लगे, और अब क्या हुआ, अब आप पहुंचे वापस ए बिंदु पर, यानी हम क्या हुआ, पहले ए से बी की ओर गए, फिर वापस बी से ए की ओर आए। अब बी से ए की ओर आने में भी जो दूरी तय की गई है वो 2 मीटर की, और विस्थापन भी आपका 2 मीटर का। अब इस पूरी जर्नी में, ये जो पूरी जर्नी है, यात्रा है, इसमें अगर हम विस्थापन की बात करें, तो आप जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ। इस कंडीशन में पहले स्टार्ट कहाँ से, चलना कहाँ से शुरू हुआ, ए बिंदु से बी पे पहुंचा, फिर बी से वापस ए में आया, यानी प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए ही है, ठीक, दोनों ए है, यानी दोनों एक ही पोजीशन है, और दोनों के बीच की दूरी फिर क्या हो जाएगी, 0, यानी शून्य, यानी हमारा इस केस में या इस कंडीशन में जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी है वो 0 है, इसलिए आपका विस्थापन 0 हो सकता है। अब नेगेटिव भी होता है क्योंकि आपकी दिशा बदलती है, ठीक है, तो दिशा के कारण क्या हो सकता, क्या हो जाता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट। तो बच्चों आज हमने दूरी विस्थापन के कॉन्सेप्ट को जाना, इन दोनों के बीच में हम जो अंतर है उसे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हमने इसके जो 3 पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो आपके वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट है, वेग और चाल का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस।